हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान Tribunehindi.com पे लाइव। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आग लगी हुई है। पूरा देश चर्चा कर रहा है, सरकार से अपील कर रहा है कि किसी तरह सरकार द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। राज्य सरकारें किसी तरह जो पेट्रोलियम पदार्थों में उन्होंने टैक्स थोपा है उसे कम करें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर आप गौर करें, देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पर पार कर चुकी है। वहीं देश के दूसरे कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 90 पहुंच चुकी है। डीजल 80 को छूने वाला है। इसी तरह 2014 में जिस एलपीजी गैस को रामदेव बाबा 400 रुपए में प्राप्त करने की बात किया करते थे, आज वह एलपीजी गैस लगभग 850 से 950 के आसपास मिल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की यह कीमतें पूरे देश में हाहाकार मचा चुकी हैं, क्योंकि इन पदार्थों की कीमतों के बढ़ने से आपके जेब में बोझ बढ़ता है, आपका किचन का बजट भारी हो जाता है। पेट्रोल डीजल की इन बढ़ती कीमतों पर जब विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार ने उल्टा विपक्ष को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। यह अलग बात है कि यूपीए सरकार के समय भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा करती थी। उस वक्त विपक्ष में एनडीए जोरदार हल्ला करती थी। एक मजबूत विपक्ष का सबूत देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जब पेट्रोल की कीमतें 75 पहुंची थी तो पूरे देश में हल्ला मचा दिया था। देश ने देखा था कि किस तरह स्मृति ईरानी हर बार प्रदर्शन करने मैदान में आ जाया करती थी। डॉक्टर हर्षवर्धन से लेके सुषमा स्वराज तक मैदान में उतर जाया करते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर साइकिल से विधानसभा जाकर अपना विरोध जताया करते थे। आज स्थिति उलट है। आज जब देश सवाल कर रहा है कि जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या इस नारे ने जो उम्मीद देश की जनता के अंदर जगाया था उस नारे को पूरा कर पाने में मोदी सरकार सफल हुई है? जब देश की जनता इस पर सवाल कर रही है तो देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तक प्रेस के सामने आते हैं। फिर वो जो बात कहते हैं बड़ी अजीब होती है। अपने 4 साल में जब पेट्रोलियम पदार्थों को वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसके लिए भी वो जिम्मेदार ठहराते हैं पिछली यूपीए सरकार को। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बात कहते हैं वह बड़ी अजीब है। सुनकर एक पल के लिए तो लगता है कि वाकई में यूपीए ने कुछ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ ऐसा कर गई थी जिसकी वजह से देश अभी भुगत रहा है। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख का ऑयल बॉन्ड भरा था जिसकी देनदारी बाकी थी। देनदारी 70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त और थी जिसको एनडीए सरकार ने भरा है, और इसके भरने की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इसी वजह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। पर सोचिएगा आप, यूपीए सरकार के समय जो एक्साइज ड्यूटी थी, आज उससे ज़्यादा जो एक्साइज ड्यूटी देश पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है उससे यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की दोनों की कमाई में कितना फर्क है। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल में जितना एक्साइज ड्यूटी से जनता से पैसा कमाया था उससे 3 लाख करोड़ ज़्यादा अभी तक एनडीए सरकार अपने 4 साल में कमा चुकी है। और यही स्थिति रही तो 4 साल पूरे होने पर वह 10 से 11 लाख करोड़ कमा चुकी होगी। अब सोचिएगा आप, क्या इतनी बड़ी रकम से 2 लाख करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है उसकी देनदारी चुकाना बहुत मुश्किल काम था? एक बात और सोचिएगा, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी नहीं, तरह तरह के टैक्स, राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट, इस तरह के टैक्सों की एक बड़ी बोझ को आप पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ जोड़कर सरकार को देते हैं। आपको राष्ट्रवादी कदम बताकर चुप कराने की कोशिश होती है। आपको ये बताया जाता है कि देखिए आप ये जो पैसा दे रहे हैं ये देश के निर्माण में खर्च होगा, पर आपको यह नहीं बताया जाता कि यह जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं इनके बढ़ने की वजह से देश में अन्य चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता है।
ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, आने जाने का किराया बढ़ता है, इस तरह से महंगाई एक अलग स्तर पर जाती है। एक तरफ पेट्रोलियम पदार्थ है तो दूसरी तरफ गिरता हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया अब अपने न्यूनतम स्तर पर है, इस तरह रुपया कमर तोड़ रहा है। एक समय था जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था, क्या कहा था आप खुद सुनिए। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे, कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है, यही तो कारण है भरोसा टूट गया। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, चौंकने वाली बात है। यह उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री ने बात कही थी। देश में रुपये के गिरने, पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने पर उस वक्त अलग अलग तरह के अर्थशास्त्री पैदा हो गए थे, कभी अनुपम खेर तो कभी अमिताभ बच्चन तो कभी अक्षय कुमार ट्वीट कर कहा करते थे कि पेट्रोल गाड़ी में छिड़क दिया जाए। आलोचना जरूरी है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि बिना आलोचना के कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती। देश की हस्तियां जो उस समय यूपीए सरकार को कोसा करती थीं, यूपीए सरकार की आलोचना किया करती थीं, क्या ये हस्तियां फिर सामने आएंगी? क्या अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग फिर ट्वीट करेंगे? दरअसल देश याद कर रहा है रामदेव बाबा की आपकी अदालत में दिए गए उस बयान को। आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर का भी यह ट्वीट देखिए। दरअसल यूपीए सरकार के समय जब 75 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आग उगल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $123 प्रति बैरल से लेकर $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। पर मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम थीं, फिर भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई। एक बार जब शुरू में कम हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मेरी नसीब से रेट कम हो रहे हैं, पर बाद में देश ने यह देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती ही चली गईं। 2017 में देश में रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होने का सिस्टम लागू हो गया। इसके बाद देश ने यूं देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ीं, कुछ इस तरह से बढ़ीं कि जिसका आप और हम अनुमान नहीं लगा सकते। दरअसल सरकार जनता को लूट रही थी, किस तरह से लूट रही थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई तो उन कीमतों का लाभ देश की जनता को नहीं दिया गया। उस गिरी हुई कीमतों के लाभ को मेंटेन करने के लिए सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर, जरा सोचिएगा आप, क्या $40 प्रति बैरल में भी पेट्रोल आपने 75 रुपए प्रति लीटर पे पाया? और एक समय वो था जब देश में 75 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दरअसल सवाल सरकार से है, सरकार ने जनता से एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो लूट मचाई, उस लूट का जवाब कौन देगा, उस लूट का हिसाब कौन देगा? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपनी सारी नाकामियां पिछली सरकारों पर डालेगी? क्या जरूरी है कि खुद को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए, खुद को देशभक्त साबित करने के लिए सरकार के इन फैसलों का विरोध ना किया? फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फेसबुक में शेयर करें, अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।